दोस्तों एक गलती की हमारी सजा देख लें, हमें कितनी मिल रही है ये देखें। चलें कोई बात नहीं, इंसान ठोकरों से ही समझता है, तभी पता चलता है जब उसके साथ इस तरह कुछ होता है। अब ये देखें, चाचू से पूछते हैं, चाचा काम मौका है सौ खाए वो गब्बर भी देख के परेशान है, पता नहीं इनको रोजाना दौरे पड़ जाते हैं, कभी मिस्त्री आ रहे हैं, कभी मजदूर आ रहे हैं, एक बना रहे हैं, एक उतार रहे हैं, वो देखे भी कहंदा मेरा सुकून आके तुसीं खराब कीता, चंगा भला सुता होना सर रोजाना दी ठोक ठक लाई है कुत्ता याद आओ सी मेरा चंगा भला सुकून बर्बाद की मैंने यार ये सारे फार्म का अभी नक्शा जो है ना इंशाल्लाह बिल्कुल उखाड़ने लगे हैं, यानी कि दोबारा आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करते रहेंगे। कोई अच्छा आइडिया तो दे दिया करें यार, कुछ नहीं होता, आपके कौन से पैसे लगने हैं। उस वक्त इतनी अक्ल नहीं थी जब मैंने बनाए और मिट्टी के लेप कर दिए, मैंने कहा सर्दियों में गर्म रहेंगे, जिस तरह आपको पता है कच्चे कमरे होते हैं, और गर्मियों में ठंडे, लेकिन उसकी मुझे इतनी सजा मिली है ना कि अभी तक मेरे परिंदे एक्सपायर हो रहे हैं उन्हीं वजह से। ये तो मैंने वैक्सीनेशन की और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा एंटीबायोटिक्स की वजह से मेरे बर्ड बचे हुए हैं, अगर इतनी जुएँ कई किसी चीज़ को भी पड़े ना वो बचने की उम्मीद नहीं होती। अब मैं उठाकर इनको दिखा नहीं सकता, आज मैंने मुश्की जोड़ा, शहजादा बाहर जोड़ा, चलो पुत्र सिद्धि हो गई, हो गई, हेलो उठ शाबाश। अब ये मिट्टी के अंदर नीरी जुए हो गए, अब इसमें खेल रहे हैं, इनको भी पड़ेंगी, लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं, डाल लें अपने आप को जुए। मैंने बंदोबस्त शुरू कर दिया, मिस्त्री साहब ने टाइम दिया मुझे 2 दिन का, तो मैंने चाचू को कहा है कि आप काम को खींच के रखें, अंदर वाले हमने कुड्डे उखाड़ दिए, ईंटें भी हमारी माशाल्लाह से साफ हो चुकी हैं, ठीक है जी। तो अभी फिर एक मरतबा, क्योंकि आगे आ जानी है दोस्तों गर्मी आ जानी है और गर्मियों के अंदर खासा काम नहीं होता, तो इसीलिए मैं जल्दी से जल्दी जो है ना ये दीवारें हैं सारी इनका भी सबका जो है ना हमने ये मिट्टी का लेप उखाड़ना है, ठीक है, इन खुड्डों के अंदर भी। वजह ये होती है हमने जितनी भी स्प्रे की है ना दोस्तों वो सब नाकाम रही है, ये मिट्टी का लेप जो है ना इसके अंदर हम जब स्प्रे करते थे ना वो छोटे छोटे सुराखों के अंदर ना जाकर वो छुप जाती हैं जुएं चिच्चड़। कल हमने ये देखे ये खुड्डे तोड़े हैं ना, तो यहाँ से इतने चिच्चड़ जुएं निकली हैं, आपकी सोच होगी दोस्तों। अब ये देखें किस तरह नक्शा है, आप बताएं, अब बेहतर लग रहा है ना, पहले मैंने यहाँ पर खुड्डे बनवाने थे, लेकिन अभी मेरा प्रोग्राम जो है ना नहीं है यहाँ पर खुड्डे बनवाने का, क्योंकि जगह बड़ी अच्छी लग रही है, यहाँ पर हम गर्मियों के अंदर अपने पिंजरे रख के ना मुर्गे निकाल दिया करेंगे, ठीक है दोस्तों, ऊपर तरपाल आ जाएगी और खुड्डे इंशाल्लाह कोई 4 इसके ऊपर मैं बनाने वाला हूँ और 3-4 इस लाइन के अंदर। आज क्योंकि कल परसों मिस्त्री साहब ने आना है, तो अभी मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ, जाकर स्लैपें भी ले आते हैं और दरवाजों का ऑर्डर भी दे आते हैं, ठीक है जी, ताकि इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी हमारे खुड्डे रेडी हो जाएं। तरपाल वाले से भी पता करते हैं जो हमारी ऊपर से लगनी है, सामने तो लग जाएगी तारें वगैरह, लेकिन इधर यार हमारे पास पॉइंट नहीं है, ये दीवार छोटी है, यहाँ पर पता नहीं किस तरह लगेगी। चले कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा, वो भी देखते हैं। अभी मैंने मुश्की को बाहर निकाल दिया दोस्तों, अभी चाचू को बोलते हैं, जिस तरह निकले हैं ना इनके अंदर ये देखें, ये सारे सुराख देख रहे हैं दोस्तों, ये देखें हम जब मारते हैं ना ये उन सुराखों में ये जुएं सारा, इनको अच्छे तरीके से प्लस्तर करना है, नीचे बजरी डालनी है, यानी नीचे वालों पे, यहाँ पे तो टाइलें, इसे सारा निकाल लेंगे एक मरतबा, और अच्छी तरह स्प्रे करके, यानी कि मैं इनके खिलाफ जो है ना अब सख्त एक्शन लेने वाला हूँ, ये जो जुएं वगैरह और चिच्चे वगैरह ना हमारी यार 4 लखिए की वाली पट्टी जो है ना बेचारी, कल इसके मैंने अंडे उठा लिए, ये भी कूड़क होने वाली है, क्यों ना हम इसको एक आधा अंडा दे दें, हमारे पास माशाल्लाह से अंडे आए पड़े हैं, पीले के साथ जो व्हाइट मादी हमने लगाई थी ना दोस्तों माशाल्लाह से उसका भी रिजल्ट आ रहा है, ये देखें 5 अंडे हुए पड़े हैं, भाई ने भी नहीं उठाए और मैंने भी नहीं उठाए, मैंने कहा पड़े ना कोई बात नहीं है, कि जगह पर अंडे दे रही है, पीले के साथ छोड़ा हुआ है मादा को, मुझे करो, मैंने कहा अभी 5 अंडे वो हैं और 4 लखिए वाली जो पट्टी है ना अपना 4 लखिए के साथ जो बंद है, 5 अंडे ये उसके पड़े हुए हैं, कल मैंने वहां से उठाए हैं, कुड़क हो रही थी बेचारी, अब ये खराब अंडा वहां पर डाल देते हैं, ये बाहर आ जाएगा, ये अंडा वहां पर डाल देते हैं, ताकि हमारी ये पट्टी अगर हो जाती है ना कुड़क तो हम सब अंडे इसको यहाँ पर ही डाल देंगे। चलो आ जाओ बेटा, ये लो अंडा, एला फड़ बह जाके कुड़क कितने लानी, ये लो अंडा डाल दिया हमने वहां पे दोस्तों, क्योंकि इसकी पक्की जगह है, हमें मिट्टी का लेप भी यहाँ से उखाड़ना है, मुर्गी तंग पड़ेगी। चले इसके बारे में कुछ सोचते हैं, अंदर इसको ना 4 लकिए के साथ ही हम कुड़क बिठा देंगे इंशाल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। जी दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है? आज यार क्योंकि जिस तरह ही हमारे काम शाम जारी हैं, मैंने चार लखिए वाली ये वाली पट्टी भी अंदर छोड़ दी है, ठीक है जी, तो ताकि मैंने कहा ये अंदर जरा रेडी हो जाएगी ना, तो फिर इसे ज्यादातर वोट देखेंगे किसके साथ आते हैं। अभी ये दाबे लग जाए, क्योंकि अभी बड़ी हो गई है, वो देखें, बस दाबे लग जाए ना तो फिर तो ठीक है, लेकिन बात मुश्किल वाली है। वो हमारी छोटी गिट्टी के साथ देखें, हमारे ना होने पर ये कोई भी नुकसान कर सकती है। एक मरतबा इसको हमें दाबे लगाना ही पड़ेगा, ठीक है? ये बाद में हमने फैसला करना है कि इसको किसके साथ लगाएं। एक तो इसकी चॉइस है, क्योंकि हमने डालना इसे किसी लाखे के साथ ही है। एक इसका फादर है चार लखिया, लेकिन फादर के साथ नहीं यार, ब्रीड अभी लगानी इसकी, तो वो जरा रिजल्ट कोई बहुत खास नहीं आएगा। गिट्टी भाग के गई है उसके पीछे, ले जी ले, वो भी सीधी हो गई है। अभी बची है ना, उसे इतना पता नहीं है तो, लेकिन मुझे लगता है कि काम खराब करेगी। लेकिन हमने डंडे की मदद से ना, हमने उसको जो है ना दाबे लगाना है। हाँ, मैं आपको बता रहा था, एक है जी चार लखिया, दूसरा है हमारा कालू का फादर, ये इसके साथ यार मैंने जोन तोल पट्टी है उधर मियाँ वाली वाले फार्म से ही लगी थी, मैंने हटाया नहीं है। असल में इसकी नजर पड़ गई है उधर छोटी मादी पे, चार लखिए वाली पे, तो इसलिए ये हरकतें कर रहे हैं। एक ये है, एक बात बताऊं, कल मुझे कॉल आई है भाई की, अब्दुर्रहीम भाई की, जो कराची से हैं, जिनको मैंने कालू पट्टा भेजा है। कहने लगे नुमान भाई, पहले तो आपसे माजरत करनी है, मैंने कहा हुक्म करे। कहने लगे यार, यहाँ पर जो हमारा कालू था ना, जिनको मैंने भेजा था, तो लोग ऐसे बातें करते हैं, ये वो उनकी आदत होती है। कहने लगे मुझे किसी ने ऐसे ललकारा आके ना, जिस तरह आपको पता लोगों की आदत होती है, तो इन्हें कुकड़ रखे ने ये वो। मैंने कहा अभी, कल नहीं अभी छोड़े, अभी गेम होगी। ये जिस तरह होता है एक तरीकाकार, आपको पता है जब बात इज्जत पे आ जाए ना, तो फिर बड़ा कुछ हो जाता है। कहते उसी वक्त बगैर तैयारी के, यानी हमारा यहाँ पे जो कालू खड़ा था ना, हालांकि मैंने उस बेचारे का पर भी काटे हुए थे और पर खेचे थे, बिल्कुल कच्ची कुरीजों में था, जिन दोस्तों ने देखा, और 5 महीने बंद रहा है, कोई हरकत नहीं की, तो बिल्कुल यानी कि अनरेडी। कहने लगे परेशान तो मैं हुआ, लेकिन बात इज्जत पर आ गई। कहने लगे कालू ने 2 मिनट नहीं लगाए, उसी टाइम हमारा लगा हुआ था, जिसका मुर्गा कबड्डी हार गया वो दूसरा उसे गिरा देगा, यानी जिबा हो जाएगा। तो कहने लगे कालू ने मिनट नहीं लगाया, खत्म करके वो मैं जिबा करा के घर ले गया। वो इसका पट्टा है मियाँ वाली से, पूरे काफी दोस्तों ने मुझे कॉलें की हैं कि ये परिंदा हमें दे दे, ये मन नहीं है। और इसके गारंटी शुदा दोस्तों, क्योंकि मेरे पास है यार, इनके अपना बच्चे आके जो है ना आए हैं, और मैंने दिए ना जिनको, बड़ी तारीफ कर रहे हैं, तो इसीलिए या तो इस पट्टी को उसके साथ डाल दें। अभी पट्टी हमारे एक मरतबा कहते हैं दाबे लग जाए यार, मैं आगे पीछे हुआ ना, तो इसने थरथली मचा देनी है, नुकसान हो सकता है अनजाने के अंदर, खुडों के अंदर। तो एक ये है, और एक इसकी बड़ी बहन है, उसको भी इंशाल्लाह ताला आज जो है ना दाबे लगाने वाला हूँ यहाँ पे अंदर। उसके भी हमने पर वगैरह जो है ना काटे थे किसी वक्त में, पर काटना एक बड़ी गलती साबित हो सकता है आज के बाद। आप दोस्त अगर ये काम करते हैं ना करिएगा। ये वाली है ये पट्टी, ये अभी कुरीजों के अंदर है, इसको भी मैं अंदर छोड़ने वाला हूँ। इन दोनों को उम्मीद है कि मैं दिल भर के, ये भी उसी की बहन है, बड़ी बहन है ये वाले, ठीक है जी। अभी आपको लुच्ची पुच्ची नजर आ रही होगी, लेकिन समझदार बंदे के लिए कहते हैं इशारे ही काफी होते हैं। और ये भी इनकी बहन है ये वाली, ये तीनों बहनें हैं, एक दो एक अंदर जो है 3, तो इनको भी इंशाल्लाह खुडे नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा तंग पड़ रहा हूँ। आगे ब्रीड का सीजन है, अब इन सबको मैं बंद करके इंशाल्लाह ताला इस बार टिका के हमने ब्रीड करानी है, इंशाल्लाह सारी मुर्गियों की ब्रीड करानी है, और इनको टाइम देना ज्यादा से ज्यादा, हमने जगह भी देनी है, ठीक है जी। तो कहाँ गई है पट्टी? एक मरतबा पट्टी को मैं आमने सामने कर देता। माशाल्लाह दोस्तों, हमारी स्लैब्स आ गई हैं, तकरीबन 14 ये हैं, और 7 अभी इनके पीछे आ रही हैं, यानी जो हमने यहाँ पर अभी फिलहाल खुड्डे बनवाने हैं उनकी स्लैबें आ गई हैं, जो मिनी जू के अंदर बनवाने हैं उनके लिए और आएंगे इंशाल्लाह। जो इनमें से बचेंगी वो भी हम ले जाएंगे, जो और मंगवानी पड़ेगी वो भी, दरवाजों का भी ऑर्डर दे दिया, अभी सीमेंट वाले को भी पैसे दे दिए, और एक दो दिन के अंदर इंशाल्लाह हमारे मिस्त्री साहब भी आ जाएंगे। क्या ठीक है चाचा, जम गई है मिट्टी की, मैं देखो पहाड़े नाल साफ करो चा, ये ना आसी पहाड़े नाल, ये मेरे ख्याल मिट्टी वगैरह लगी है ना, तो अभी स्लैपों को अंदर उतारते हैं। सबर कर आप ही है गए हैं, सबर कर। ए मामा आसी में चिड़िया सी ना, ख्याल कराए ना होवे दवा ना खड़ो। चलो कोशिश करते हैं कि हम धक्के के साथ ही ना, क्योंकि वजन इनका होता है बहुत ज्यादा,
पीछे से धक्का लगा के चढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुश्किल वाली बात है। लें जी, धक्का लगाने में तो कामयाबी मिल गई है और धक्के के साथ ही अंदर आ गया है माशाल्लाह। चलें, बेहतर हो गया। वैसे क्योंकि पीछा उठाया जाता है ना तो फिर गिरने का खतरा होता है, हर चीज़ टूट जानी थी, तो वैसे ही नाजुक माल होता है। इतना ही दीवार के नाल चाचा दीवार तो ना ढाए वैसे हैं, दीवार ढाए ना मंजे। अच्छा सिंगल है, क्या लग रहा है? सुबह से जो है ना चाचू एक रंबे के साथ सारा जो मट्टी का लेप है ना उतार रहे हैं। मैं अभी गया था बाजार और इनके लिए एक सरप्राइज है कि पता नहीं काम करता है या नहीं। ये देखें दोस्तों, जिससे मछली वाले नहीं वो उतारते, वो कौन सी बला होती है यार, मछली के ऊपर से वो उतारते हैं। ये मुझे मिला है, पता नहीं अब हमारा काम करता है नहीं। चाचा ई कु देख हाँ कि ठीक है, ये ठीक है, ठीक है जरा चेक तो कर, हिम्मत कर, ये ठीक है गुजारा करे सी। अच्छा हाँ देख, मैं एक एक सिल्ही उकाड़ सटे, मैं दूजे ही हूँ कने पूछा है लेकिन दूजा मिलया नहीं। मैं चलो दू गिद्धी हूँ ये खराब जो थी बंजे, बस हूँ छेक सट शाम तक सारे को मुका सट। वो सुबह से एक रंबी है उससे उतार रहे थे यार, मैंने कहा चले पता तो करे ना, वो जो बुरश होता है ना जाली वाला वो भी यहाँ पर काम नहीं था करना, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा शायद मिल जाए। बड़ा मजबूत किस्म का ये बना हुआ है, रबड़ के अंदर ना किल लगे हुए हैं दोस्तों। तो चाचू ने तकरीबन इधर से सारा उखाड़ दिया है, हाँ जिंदाबाद हूँ तो ना मतलब भिड़ता पाई, वो बहु मेहनत मंगता है ये तो सिलनी दी चमड़ा लाई मैंने। अच्छा खैर है सिलनी दी खैर है, ले जी कच्चे नहीं थी ना खैर है बन जाए अच्छा कह रहे कोई ताजमहल बना बनाई मेरा पल। हाँ सर अभी सीमेंट भी वो मामू लेने गए हैं जी, 8 बोरियां, मैंने कहा पहले उतरवा देते हैं ताकि मिस्त्री साहब आए काम शुरू हो जाए। रेत की ट्राली मंगवाते हैं, मट्टी की भी, मट्टी का एक रक्से ही काफ़ी है क्योंकि जो चुनाई है ना अंदर न्यू खुडे दोस्तों, ये जो हमारी आ रही हैं अभी 7 स्लैपे पीछे हैं ठीक है जी, वो भी अभी आ रही हैं यहाँ पर इंशाल्लाह ताला। कुछ खुडे यहाँ पर बना रहे हैं, 3-4 जितने भी हुए, इनका जो छोटे लकड़ी वाले बंद दरवाजे हैं उधर वाली साइड पर भी होंगे खुडों के इनके, क्योंकि उधर हमने मैंने ऊपर एक जाली लगा के ये सीमेंट का प्लास्टर हो जाएगा, दरवाज़ा यहाँ पे फिक्स कर देंगे और इंशाल्लाह ताला ये हमारा बड़ा पक्का किस्म का काम हो जाएगा। यानी अपनी तरफ से तो यार सोच पूरी है। और अभी मैं आज गया हूँ दोस्तों तरपाल वालों के पास, ये जो ऊपर तरपाल नहीं लगाते आपने शायद मस्जिदों के अंदर या गार्डन के अंदर देखी हो तारों के साथ, तो उनसे भी मैं एडवाइस ले आया हूँ। बोल रहे थे कि यार कितने पैसे कितने 70,000 रुपया, यानी कि सिर्फ इतनी सी जगह से हमने कवर करवाना है वहां तक, वहां वो दीवार छोटी है, मैंने पूछा कहते हैं एंगल शायद लग जाएंगे, ठीक है जी अगर एंगल लगते हैं तो यहाँ पर ऊपर सारी वो जो है ना तरपाल आ जाएगी। गर्मी के अंदर दोस्तों ये खुश रहेंगे ना, ये खुश रहेंगे तो हम खुश होंगे, अगर इनको तकलीफ पहुंचेगी तो हमें तकलीफ। अपनी तरफ से तो देखे मैंने लगा दिया है, मुझे जिस तरह ही आइडिया हुआ ना कि यार यहाँ पे मेरे से गलती हुई है, मैंने फौरन ही उसका अजाला शुरू कर दिया। अब अल्लाह खैर करे इसके सारे भी अंदर से जो है ना मट्टी के उखाड़ेंगे, हो सकता है किसी टाइम मजदूर 2 भी लगाने पड़े, मैं लगा दूंगा ठीक है जी, ताकि हमारा ये काम बड़ा जल्दी से हो जाए जिस तरह ही मिस्त्री साहब आते हैं। सुबह मैं अंडा रख के गया हूँ यार, 4 लखिए वाली जो छोटी पट्टी है वो ये शाबाश, मेरे ख्याल दाबे लग चुकी है अभी। लें ये काली के दाबे नहीं लग रही, चिट्टी के दाबे लग गई है, जगह जगह ढूंढ रही है, पर शर इसके काटे हुए हैं, 2-4 दिन बाद इसका मैंने जोड़ा लगा देना है ठीक है। अभी इसे फिरने दे मौज करे ठीक है जी, फिर इसको दिलबर के साथ या जिसके साथ आपका आज कमेंट देखूंगा मैं किसके साथ बेस्ट है, वो कालू का फादर वो भी इसके साइज का है या नहीं है, लेकिन उसके साथ ब्रीड छोटी बनाएगी, यानी यही 2400-2500-2526 से ऊपर नहीं बचे जाएंगे, वो ज्यादा ही मोरा छोटा हो जाएगा, लेकिन दिलबर के साथ 2700 तक जाना चाहिए, 2650-2700 तक। तो 4 लखिए के साथ भी 2700 तक जाएंगे। ये देखें पट्टी हो चुकी है कुड़क दोस्तों, सुबह खराब अंडा मैं डाल के गया हूँ यहाँ पे, आपको भी दिखाया था, अभी ये कुड़क है। चल पुत्र तू अपना बंदोबस्त कर ले, ले तेरी माथी दे होगी वो कुड़क। अब इसके अपने भी 5 एग्ज मेरे पास पड़े हुए हैं दोस्तों, कितने 5 एग्ज इसके भी पड़े हुए हैं, और उसके बाद हमारी व्हाइट माथी भी दे रही है, ये जो बाहर फिर रही है कहाँ गई है ये वाले, इसको आज भी पीले के साथ मैंने क्रॉस करवाया अपने इस वाले पीले के साथ, ये जो हमारा पीला है
डेली मैं खुद अपनी निगरानी में क्रॉस करवा देता हूँ। और ये आज भी अंडा उतार रही थी, ये देखें 6 अंडे इसके हो गए हैं पीले के, ठीक है जी, और 5 अंडे उसी पट्टी के। कितने हो गए, 6 और 5, गिनती भी भूल गई, 11 हो गए, और 2 या 3 उठनी लाए ही नहीं, कड़ी हो गए नहीं दिखा रही यार। इसे उठाते हैं, आज पता नहीं इसने अंडा उतारा है या नहीं। परे हो पुत्र, जरा खिंच के रख काम, उठो, नहीं अंडा नहीं उतारा, 2 अंडे हैं अभी, कल भी नहीं उतारा, आज भी नहीं उतारा, 11 और 2 13 हो गए, ठीक है, आज नहीं, आज कंफर्म हो जाए ना वो पट्टी, कल इंशाल्लाह ताला ये 13 अंडे, उम्मीद है वाइट वाली भी कल वहां पे उतार देगी एक अंडा ना, फिर 13 और 14 हो जाएंगे। ले जी, ब्लैक के भी दाबे लग गई है, इसने बहुत अच्छा किया। असल में ये वो पट्टी है दोस्तों, दाबे लग गई है तो लग गई है, अगर इनको चिड़ आ गई है ना, किसी के साथ फड़क पड़ी है, मैंने इसको फड़कते हुए देखा था पट्टे के साथ, मैंने आपको बताया दोस्तों खूनों खून हो गई थी, सारा ब्लड था, लेकिन बागी नहीं थी ये, क्योंकि पीछे से ब्लड होता है, अगर दाबे लग जाए फौरन मार धाड़ करके आप दाबे लगवा दें, ठीक है, फिर बची रहती हैं, लेकिन अब दाबे अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ पर ब्रीड भी अच्छे से करेंगे। दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं बड़ी पसंद कर रहे होंगे, चैनल कर लें जरूर सब्सक्राइब, हमेशा रहें खुश, हमेशा रहें आबाद, अल्लाह हाफिज।